Hey, नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और बात करने वाले हैं Exynos 9611 के बारे में एंड कंपेयर करेंगे Exynos 9611 को Snapdragon के बहुत ही नए आने वाले प्रोसेसर Snapdragon 735 के साथ में। तो देखते रहिए ये वाली वीडियो। बात कर लेते हैं यहाँ पर CPU, यहाँ पर CPU में आपका जो Exynos का 9611 है वहाँ पर आपको 64-bit का 8-core वाला CPU देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है दो क्लस्टर मिल जाते हैं। जो पहला क्लस्टर है वो कंसिस्ट करता है 4 cores कॉर्टेक्स A73 वाले क्लॉक्ड एट 2.3 GHz एंड बाकी के जो क्लस्टर है वहाँ पर आपको 4 cores मिलते हैं कॉर्टेक्स A53 वाले क्लॉक्ड एट 1.7 GHz। इससे पता ही चलता है कि आपके हाई परफॉर्मेंस वाले जितने भी काम होंगे वो कॉर्टेक्स A73 वाले कोर से संभाल लिए जाएंगे एंड जितने भी नॉर्मल टास्क होते हैं डे टू डे वाले वो कॉर्टेक्स A53 वाले जो कोर्स है उससे संभाल लिए जाएंगे। बाकी अगर नजर डाली जाए आपके स्नैपड्रैगन 735 के ऊपर तो यहाँ पर आपको जो है 64-bit का 8 core वाला CPU देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो एलोकेशन है कोर्स का वो अलग है, बिकॉज यहाँ पर आपको 3 cluster मिलता है। जो पहला क्लस्टर है वहाँ पर आपको 1 core मिलता है कॉर्टेक्स A76 वाला जो कि क्लॉक्ड है 2.36 GHz पे। सेकेंड जो क्लस्टर है वहाँ पर आपको 1 core मिलता है कॉर्टेक्स A76 वाला जो कि क्लॉक्ड है 2.32 GHz पे। एंड बाकी जो लास्ट क्लस्टर है वहाँ पर आपको जो है 6 cores मिलते हैं कॉर्टेक्स A55 वाले क्लॉक्ड एट 1.73 GHz। तो इससे पता क्या चलता है कि आपका स्नैपड्रैगन 735 बहुत ही ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर जो कोर्स की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको जो कॉर्टेक्स A76 वाले एंड कॉर्टेक्स A55 वाले कोर्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेस की अगर बात कर लीजिए यहाँ पर दोनों ही जो है अच्छी खास से प्रोसेस पे बेस्ड है। यहाँ पर आपका जो Exynos का 9611 है वो बेस्ड है 10 nanometer टेक्नोलॉजी पे एंड आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है वो बेस्ड है 7 nanometer की टेक्नोलॉजी पे। इससे पता क्या चलता है कि आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा। ऑन द सेम साइड आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है बहुत ही ज्यादा कम हीट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू Exynos 9611। गेमिंग की बात कर लीजिए तो गेमिंग के मामले में आपका दोनों के दोनों प्रोसेसर ही अच्छे खासी निकल के आ जाते हैं। बट यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपका स्नैपड्रैगन 735 में आपको मिल जाता है एड्रेनो 620 जो कि फार बेटर है आपके माली G72MP3 से जो कि आपको Exynos 9611 के साथ में मिलता है। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंपैरिजन कर रहे हो तो आपका स्नैपड्रैगन 735 बहुत ही ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है। रैम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज में दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो रैम का सपोर्ट मिलता है दोनों में वो आपको मिल जाता है LPDDR4X के रैम का सपोर्ट। एंड यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है उसमें थोड़ा फर्क है, बिकॉज यहाँ पर जो Exynos का 9611 है वो सपोर्ट करता है 2093 MHz वाले रैम को एंड आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है वहाँ पर आपको 1866 MHz के एक रैम को सपोर्टेड किया गया है। स्टोरेज में यहाँ पर दोनों में आपको eMMC 5.1 एंड UFS 2.1 का सपोर्ट दे दिया गया है। बट आउट ऑफ द बॉक्स स्नैपड्रैगन 735 सपोर्ट करता है UFS 3.0 को, जिसकी वजह से अगर कंपनी चाहे तो यहाँ पर UFS 3.0 वाला स्टोरेज भी दे सकती है, जिसकी वजह से आपका जो ऐप ओपनिंग स्पीड होगा आपका ऑल ओवर जो स्नैपिनेस होगा बढ़ जाएगा आपके फोन का। बट वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। कैमरा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है वो सपोर्ट करता है ड्यूअल कैमरा 22+22 MP का, जहाँ पर आपको MFNR मिल जाएगा एंड ये शूट कर पाएगा 30 FPS तक एंड सिंगल कैमरा 36 MP एंड 192 MP तक जा सकता है, मतलब मिनिमम 36 MP एंड ज्यादा 192 MP तक जा सकता है। बट 192 MP जो है वहाँ पर आपको MFNR एंड ZSL नहीं मिलेगा। बाकी अगर बात कर लेते हैं आपका Exynos 9611 की तो वहाँ पर जो सिंगल कैमरा है वो 64 MP तक जा सकता है एंड ड्यूअल कैमरा 16+16 MP तक जा सकता है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको एक में जो है कॉड एच डी प्लस का सपोर्ट मिल जाता है आपके स्नैपड्रैगन 735 में, आपको कॉड एच डी प्लस का स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है विद HDR10 जो कि ज्यादा बेटर है आपके Exynos के 9611 से, बिकॉज वहाँ पर आपको HDR10 नहीं मिलता। तो HDR10 होने की वजह से आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है फार बेटर है एज कम्पेयर टू Exynos 9611। बात करते हैं मॉडेम्स की तो यहाँ पर आपको जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिलती है आपके Exynos के 9611 में आपको मिल जाती है 600 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड एंड 150 Mbps की अपलोडिंग स्पीड। ऑन दी अदर एंड आपका जो स्नैपड्रैगन 735 है वो डाउनलोडिंग स्पीड सपोर्ट करता है 800 Mbps तक एंड 150 Mbps का आपको यहाँ पर जो है अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगा। बट ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, किसी को भी 800 एंड 150 Mbps की अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड नहीं मिलती है, ये बस एक रॉ कंपैरिजन है तो उसको रॉ कंपैरिजन के जैसे ही ले। बट यहाँ पर और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये जो आपका स्नैपड्रैगन 735 है वो एक सेपरेट 5G वेरिएंट के साथ भी आएगा, तो अब उसका स्पीड हमें नहीं पता है उसमें कितना स्पीड मिलेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा GBPS तक जाएगा बट कुछ गारंटी नहीं है, देखते हैं कि कब आता है कैसा उसका जो है परफॉर्मेंस होता है। AI परफॉर्मेंस के मामले में आपको जो स्नैपड्रैगन 735 है वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉलकॉम
Exagon 688 DSP एंड ऑन दी अदर हैंड आपके पास कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं मिलता आपके Exynos के 911 में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होने की वजह से आपका जो Snapdragon 735 है AI के मामले में फार बेटर निकल के आ जाता है। फास्ट चार्जिंग दोनों में ही सपोर्टेड है, तो कोई भी फोन अगर इसको लेकर आते हैं मार्केट में तो उसमें फास्ट चार्जिंग होने की पूरी संभावना है। अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उसको अनेबल करते हैं कि नहीं अनेबल करते। तो आपको Exynos 911 में आपको मजा आता है एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग। अगर आपके पास गैलेक्सी M30 ऐसे तो आपको पता ही होगा कि उसका फास्ट चार्जिंग कितना फास्ट है कितना स्लो है। बाकी बात कर लेते हैं आपके Snapdragon 735 की, क्विक चार्ज 4 प्लस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पर एंटीटू कोर्स एंड गिगबेंच कोर्स कुछ पता नहीं है आपके Snapdragon 735 का। यहाँ पर अगर Exynos 911 की बात कर ली जाए तो उससे भी बहुत ही ज्यादा ही होंगे कोर्स आपके Snapdragon 735 के। तो ये थे वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करें सब्सक्राइब चैनल को, एंड ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो अगर पसंद आ रहा है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड से कमेंट कर दीजिए अपना कोई भी एक अंदर का सुविचार जो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो के बारे में, एंड नहीं पसंद आ रहा हो तो भी बता दीजिए। एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।